अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एडमिशन 2022 के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं एडमिशन के लिए कौन कौन से अवेलेबल हैं, इनके लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है, इनका हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ होने वाला है, इसमें हमें जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन कौन सी मिल रही हैं, और एट द एंड जो एडमिशन के बारे में जो कम्प्लीट डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया। इसे ओपन करने के बाद जो मेरे सामने कुछ हाईलाइट्स हैं वो इस तरह से शो हो रही हैं, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इनके पास जो एडमिशन ओपन 2022 का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स की, तो उसके लिए जो है मैंने इनका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो एडमिशन हमारे पास यहाँ पर ओपन है फॉल 2022 के, और यहाँ पर इनकी जो कैंपस डिटेल है, रावलपिंडी कैंपस है, मलाकंद कैंपस है, अली मिजान कैंपस रावलपिंडी में, या फिर I-14 कैंपस इस्लामाबाद का है, G7 कैंपस इस्लामाबाद में, और वेस्टिज कैंपस है रावलपिंडी में, फिर EDP कैंपस इस्लामाबाद के अंदर है, फिर कायद आजम कैंपस लाहौर है, और ये गुलपर ग्रीन कैंपस इस्लामाबाद के अंदर जो है इनका अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर है रिफा कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंस। इसमें जो मेरे प्रोग्राम ऑफर है वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी DPT LHR है, और BSU में न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, जिसे हम BSHND कहते हैं, BS मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी है, BSMLT जिसे हम कहते हैं, और BS मेडिकल इमेजिंग थेरापी है, BSMIT, BS स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, BSSLP जिसे हम कहते हैं, BS ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स है, और फिर हमारे पास जो है BS बायोटेक्नोलॉजी है, एंड BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंस हमारे पास, और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो MS OMT है हमारे पास यहाँ पर, ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी है, फिर इनके पास जो है वो MS NMPT है, ठीक है, न्यूरो मस्कुलर फिजिकल थेरेपी है, एंड MS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, एंड MS मेडिकल लैब साइंस है, MS वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी है, MS स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी, एंड MS स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, MS कार्डियो पल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, MS पेडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, और ये हमें जो स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं जो है वो PhD रिहेबिलिटेशन साइंस के अंदर है, और इसमें हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है वो है फिजिकल थेरेपी में, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के अंदर है। और रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर हमारे पास जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, PharmD, MPhil फार्माकोलॉजी है, एंड MPhil फार्मास्यूटिक्स है। रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास प्रोग्राम है वो एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, BS साइकोलॉजी है, और MS क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है MPhil साइकोलॉजी है, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी, और ये हमारे पास जो है टॉप ऑफ 1 ईयर का हमारे पास प्रोग्राम है, PhD साइकोलॉजी है। इसके बाद हमारे पास रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग एंड अप्लाइड साइंस के तरफ हमारे पास जो है BS मैथमेटिक्स है, BS फिजिक्स, BS मैथमेटिक्स आफ्टर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, मतलब आप जो है 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, BS फिजिक्स का भी आप 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, MPhil मैथमेटिक्स है, MPhil फिजिक्स है, PhD मैथमेटिक्स है, PhD फिजिक्स है, एंड रिफा स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इनोवेशन के अंदर हमारे पास जो है BS कंप्यूटर साइंस है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS गेम्स एनिमेशन है, MS डाटा साइंस है, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MS कंप्यूटर साइंस है, एंड रिफा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA 2 साल प्रोग्राम है, MBA 2 साल प्रोग्राम है, MS मैनेजमेंट साइंस जो है 1.5 ईयर प्रोग्राम है, एंड MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम है 1.5 साल का, एंड PhD जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइंस के लिए करा रहे हैं। और रिफा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर हमारे पास जो है BS इंग्लिश है, MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, MPhil इंग्लिश लिटरेचर है। और रिफा कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज के अंदर हमारे पास जो है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी ऑफ मेडिसिन है, 5 साल का प्रोग्राम है, एंड लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा 2 साल का है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन डिप्लोमा इनके पास, और MPhil एनिमेशन न्यूट्रिशन है, और MPhil पैरासाइटोलॉजी इनके पास, MPhil माइक्रोबायोलॉजी, MPhil क्लिनिकल फिजिकल एंड सर्जरी है, MPhil क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, MPhil थीरियोजिनोलॉजी इनके पास, MPhil पोल्ट्री साइंस है, MPhil एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, MPhil पैथोलॉजी है, और सबसे लास्ट पे हमारे पास जो है वो LLB प्रोग्राम है जो कि 5 साल का, ठीक है। और इसमें हमारे सप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई 2022 है, तो उससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है, इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके उसी वेबसाइट पर जाकर, तो ये हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है इस पेज पर अवेलेबल है, जिस भी प्रोग्राम का आपने फीस स्ट्रक्चर चेक करना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज का हम आपको फीस स्ट्रक्चर बता दें, जैसे BS नर्सिंग का यहाँ पर इन्होंने फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस की फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिल जाता है,
इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएससी का हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर और यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी फी आपकी 5100, एडमिशन फी 5000 है। आईडी कार्ड की आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। आपकी जो ट्यूशन की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो 1,06,480 रुपये, ठीक है। और एग्जामिनेशन फी आपकी 7,420 है। तो एनरोलमेंट फी आपकी यहाँ पे 6,500+3,500 लिखी हुई है। तो एट द एंड आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा 1,34,000, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1,59,967 रुपीज़, एंड थर्ड सेमेस्टर में आपको 81,353 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह के जो है आपका ये फीस स्ट्रक्चर बनता है। तो सभी प्रोग्राम से जो फीस स्ट्रक्चर है तो आप किसी पे से मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको बी एस कंप्यूटर साइंस का बता देता हूँ। बेसिक साइंस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कंप्यूटिंग प्रोग्राम का है, ठीक है। तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कितनी फ़ी है। 1,13,000 बननी है, पहले सेमेस्टर में आपने पे करनी है। और सी एस की आपने जो है वो 1,13,000 पे करनी है। और मेल स्टूडेंट्स के लिए जो है बैचलर इन कंप्यूटर आर्ट्स बी सी ए के लिए 73,132 है। साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए 1,08,000 बनती है। और डाटा साइंस बी एस डाटा साइंस के लिए हमारे पास 1,03,000 बन रही है। सॉफ्टवेयर एम एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास 92,000 बनती है। पी एच डी कंप्यूटिंग के लिए जो आपकी फी है वो बन रही है पर सेमेस्टर के हिसाब से 93,648 रुपये, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें स्कॉलरशिप की, हमें जो स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी मिलनी है, तो उसके लिए इनके पास जो है वो तमीर स्कॉलरशिप है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टैलेंट स्कॉलरशिप है, मुमताज़ स्कॉलरशिप, ठीक है। इस तरह की बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके पास जो है एक मेरिट स्कॉलरशिप भी है, अगर आप जो अपने सी जी पी ए मेंटेन करते हैं 3.5 से अबव और आपके जो मतलब आपकी जो इंटरमीडिएट की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, तो आपको जो है आपकी जो ट्यूशन फी है उसके अंदर भी जो आपको काफ़ी सारी जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाती है। एंड अभी अगर हम बात करें इसमें अप्लाई की, हमने इसमें अप्लाई की सर्च करना, तो अप्लाई करने के लिए जो है आप हमारे पास जो स्पेशल वेबसाइट है इसके ऊपर हमारे पास जो है इसका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आप जो है इसके एडमिशन पोर्टल वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर तो आपने पहले एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो है अगेन अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप जो अपने ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मिस्टर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर जो है क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, और उसके बाद जो आपने अपने यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। एंड अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर करना है लॉगिन, और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसमें। तो हमारे सामने ये वाला पेज होता है, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, डेट ऑफ पासवर्ड एंड देन आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नेम, और इसके बाद जो है आप लिखना फादर नेम, और यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना फ़ोन नंबर। क्या हम लिख लेंगे अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर जो आप एक पासवर्ड जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। और जो मैं पासवर्ड को रिटाइप करता हूँ, उसके बाद जो हमने यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देना। एंड साइन अप पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने जो पेज होगा अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उस तरह के जो आपने इसमें अकाउंट बनाना है अपना नेम के साथ, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एक ईमेल एड्रेस और उसके जो पासवर्ड, तो उसके बाद जो आपने सिंपली साइन अप पर क्लिक कर देना। और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पर आप सिंपली जो अपना ईमेल एड्रेस देंगे और जो आपने उसका पासवर्ड देना, और सिंपली जो आपने इसमें अप्लाई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो हमने इस पर क्लिक कर देना लॉगिन के लिए, एंड लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने जो पेज होता है वो इस तरह से है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो इसका होम वाला पेज है, और यहाँ पर देखिए आईडी वगैरह लिखी है, प्रोग्राम वगैरह लिखे हैं, स्टेटस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट ताकि जो हम एक न्यू अप्लाई कर सकें न्यू तरीके के साथ।
और यहाँ पे आप जो क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, आप किसी भी कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कैंपस सेलेक्ट करना है, फिर लेवल आप किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम जो है आप किस कौन सा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रेफरेंसेस वगैरह हैं, आप जो भी चाहें उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेल है और सॉरी फीमेल कहाँ से आ गई इसमें। तो यहाँ पर जो आप जॉब की जो प्रेफरेंसेज हैं आपके पास काफ़ी सारी हैं, तो आप उनमें से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम के लिए जो है वो आपने इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो आपने यहाँ पर सबमिट पर सेक्शन सेशन जो आपने बताना कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, तो 2022 वाले में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर फॉर्म वैलिडेशन इज सक्सेसफुल हो चुकी है मेरी। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ ताकि हम जो है इसमें अप्लाई कर सकें। और यहाँ से जो आपने जो अपनी एप्लीकेशन है वो आपने देख लेनी है, व्यू एप्लीकेशन, एंड व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज होगा वो इस तरह से होगा। आप जो है यहाँ से अपनी एप्लीकेशन उसको एडिट करेंगे, तो आपके एप्लीकेशन में जो है किस तरह से बने हुए हैं। सबसे पहले वाला आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला है, उसमें आपसे पूछेगा आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, आपका CNIC नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने एक तस्वीर अपलोड करनी है, फादर नेम, उनका CNIC नंबर, ठीक है, फादर ऑक्यूपेशन, गार्डन वगैरह के बारे में डिटेल है। इसको आपने जो है इसके बारे में जो आपने डिटेल देनी है। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप उसमें जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देंगे, आपका एड्रेस वगैरह लिखेंगे, पर्सनल एड्रेस कौन सा है, प्रेजेंट एड्रेस आपका कौन सा, ठीक है, और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपना यहाँ पर देने, एमरजेंसी के तौर पे अगर कोई आपके साथ हादसा हो जाए तो आपने किसके साथ रब्ता करें, उसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल देंगे, एंड एकेडमिक रिकॉर्ड जो आपने अपना जो है यहाँ पर दे देना है, आपने मैट्रिक जो डिग्री टाइटल थी कौन सी थी, मैट्रिक थी, ओ लेवल था, ए लेवल था, जो भी था, कितने मार्क्स थे आपके इसमें, टोटल मार्क्स थे, किस साल में पास किया, किस कॉलेज से पास किया, किस बोर्ड से पास किया, ऐसे ही आपने इंटरमीडिएट के बारे में बता देना है। और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर अकेडमिक रिकॉर्ड्स, ट्वेल्व ईयर एजुकेशन देने के बाद जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप अपनी मैट्रिक की जो सॉरी आपकी जो इंटरमीडिएट लेवल की डिग्री है वो उसकी तस्वीर अपलोड करेंगे, CNIC नंबर की फोटो आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपने जो है मैट्रिक की डिग्री वो जैसा जो भी आपके पास है वो आपने डाउनलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने इसके जो चलान फॉर्म है वो डाउनलोड कर देना है, और यहाँ पर आप जो चलान फॉर्म है वो डाउनलोड करके जो है आपने उसको जो है पे करना है, ठीक है। पे करने के बाद उसकी तस्वीर अभी रिसीव होगी, वो आपने यहाँ पर आके अपलोड कर देनी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब की क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके।